सामाजिक उत्थान के को दिशा देने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई तो अर्पण है, प्रिय वर परिजन परम हितैषी अभिनंदन है, आमंत्रण है, अभिनंदन है, आमंत्रण है। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति अतिथि थे, अतिथि कोई नहीं है क्योंकि समाज का मंच है, लेकिन क्योंकि हमारे समाज का नेतृत्व करने वाला पीछा जो बाबा चलो साबुन बनाओ, साबुन बनाओ मारो बबलू को काट दे। राजस्थान का युवा स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आह्वान है, इसके तहत राजस्थान युवा बोर्ड कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट अनेकों योजनाओं को लेते हुए, और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा राजस्थान की सरकार वसुंधरा जी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, और परंपरागत जो हमारे खेल हैं जो लुप्त हो गए थे उनको बढ़ावा देने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। इसी कड़ी में एक विवेकानंद कार्यक्रम हम कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी पर 7 दिन का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। एक वंदे मातरम करके कार्यक्रम हम 8 नवम्बर को कर रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें सहमति मिल गई है। 1 लाख से ज्यादा युवा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आएंगे, करीब 2 घंटे का वो कार्यक्रम चलेगा, और उसमें राष्ट्रभक्ति और हमारे जो संस्कार, हमारी विचारधारा जो यूथ में अभी जरूरत है उस चीज की, उसको हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान का युवा शक्तिशाली बने और आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हमारे उसमें राष्ट्रभक्ति की बहुत जरूरत है। एक कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमको अभी मिल गया है, युवा कला संस्कृति, जो पहले राजस्थान का ये कार्यक्रम हमने रोहतक में नेशनल ये कार्यक्रम हुआ था वो जनवरी में होगा, और पूरे भारत के बच्चे 7 दिन जयपुर रहेंगे। मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्पोर्ट्स मंत्री केंद्र के राज्यवर्धन जी और अनेकों हमारे मार्गदर्शन नेता रहेंगे, जो 7 दिन तक जो लोग अलग अलग कलाओं से, और मैं समझता हूँ जो हमारे संस्कृति जो रही है बढ़ावा देने का काम हम कर रहे हैं। इस तरीके से अलगोजा और राजस्थानी लोक नृत्य ये बंद हो गए थे, इनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम राजस्थान युवा बोर्ड ने किया है।